हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जस्ट उठी हूँ, 5 मिनट पहले। अभी टाइम देख सकते हो आप, पूरे 5:35 हो रहे हैं। 5 मिनट पहले मैं जस्ट उठी हूँ, तो बाहर का देखा कि मौसम बिल्कुल, सुबह के टाइम में तो थोड़ा मौसम अच्छा ही लगता है, भले सारा दिन गर्म रहे रात को गर्म रहे। तो बस मैं उठ चुकी हूँ, फेस देख कर आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, और क्योंकि अबीर का स्कूल है तो उसका टिफ़िन बनाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी से मैंने टिफ़िन बनाया। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इस टाइम में जल्दी रहता है, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं फ़ोन अपना चार्ज में लगा देती हूँ ना, इसीलिए फिर टाइम में भूल गई थी। उठी, फ़ोन को लगा दिया, अब अबीर को रेडी कर दिया है, टिफ़िन सब कुछ रेडी हो गया, तो मैंने सोचा चलो इसी टाइम पर थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो अबीर भी बिल्कुल रेडी, तो अबीर को छोड़ने पापा ही जाते हैं। अबीर मतलब हस्बैंड जो है थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, अगर बाय चांस कभी उठ गए या पापा को कुछ काम रहा तो ही हस्बैंड जाते हैं, नहीं तो पापा ही सुबह उठ के जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा थोड़ा सा जल्दी उठते हैं। मैं जब उठती हूँ उससे पहले ही मम्मी पापा उठते हैं, और मैं भी बहुत सुबह नहीं उठती हूँ, मॉर्निंग स्कूल है इसलिए मैं उठती, नहीं तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। मम्मी पापा लोग जो है जल्दी थोड़ा उठते हैं। तो बस उसके बाद ब्रश वगैरह किया, चाय वगैरह पिया, और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। अबीर को तो पहले बना के दे दिया था, फिर सबको नाश्ता बना, फिर सबको ही नाश्ता किया, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। और अभी टाइम थोड़ा सा लेट हो चुका है, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है नीचे में बेड वगैरह, तो जब तक मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, माँ उठते ही माँ नीचे का बेड वगैरह सब ठीक कर देती हैं, फिर मैं सारे नीचे के सारे काम ख़त्म करती हूँ, फिर ऊपर में आती हूँ। तो बस यहाँ भी बेड वगैरह सब ठीक कर रही हूँ, और अंदर का बेड तो थोड़ा ठीक ही रहता है क्योंकि हम लोग अभी गर्मी का टाइम है ना, तो बाहर बरामदे में ही सोते हैं, क्योंकि यहाँ खिड़की है, 3-4 खिड़कियाँ हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर रूम की तुलना में बाहर का ना टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, इसीलिए तो अंदर का बेड तो आप लोगों ने देखा ठीक है सब, उसको थोड़ा ठीक कर दिया। बाहर का भी फिर सबको ठीक किया, जो जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी सबको ठीक किया, फिर झाड़ू पोछा जो होता है सब करके नहा धोकर मैं अब आ चुकी हूँ, और आज थोड़ा हेयर वॉश भी किया है। अभी तो लगता है कि गर्मी का टाइम है ना, तो लगता है कि डेली ही हेयर वॉश करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने पसीने होते हैं, स्वेटिंग होती है ना, तो लगता है कि सिर से ही नहा लो। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, क्रीम वगैरह सब कुछ लगा लिया है, बालों को पानी अच्छे से सुखा रही हूँ क्योंकि टपकते रहता है, तो वही नीचे का मैं पानी यहाँ पर पोंछ रही थी। तो बस क्लचर लगाया क्योंकि बालों में अभी मैं कंघी नहीं करती हूँ, जब बाल गीले रहते मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गीले बालों में करना भी नहीं चाहिए क्योंकि गीले बाल ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और इस टाइम में कंघी करने से ज़्यादा हेयरफॉल होता है। ऐसे तो मेरा होता ही है, पर गीले बालों में कर दो तो और भी हेयरफॉल होता है। तो बस हो चुका है, तो यहाँ की खिड़की वगैरह सब कुछ लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी इस रूम में कुछ काम मुझे है नहीं। अब दोपहर को तो हम लोग ऊपर आते ही नहीं है क्योंकि ऊपर का कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, नीचे थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए गर्मी के दिनों में ऊपर मैं बिल्कुल दोपहर के टाइम में तो आती ही नहीं हूँ। इस टाइम जो मैं नीचे जाती हूँ फिर ऊपर आती ही नहीं हूँ, कुछ काम रहा तो आई, नहीं तो फिर शाम को फिर आती हूँ खिड़की वगैरह खोलने के लिए। तो सब कुछ बंद कर दिया, पर्दे वगैरह लगा दिया है, रूम को सेट कर दिया है, और सीधे आ चुकी हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज का भी खाना बहुत सिंपल सा ही है, फिर से आज अरबी की सब्ज़ी ही बन रही है, आलू और अरबी की सब्ज़ी, मतलब फिर से, मतलब सैटरडे को शायद बना था, हाँ सैटरडे को बना था, फिर संडे को तो नॉनवेज बना था, चिकन बना था, और अब फिर से वही बन रही है कल, तो इसीलिए कल मतलब नॉनवेज वगैरह हुआ तो आज चलो सिंपल सा ही सब्ज़ी बनाते हैं। तो वही आलू और अरबी की सब्ज़ी एक साइड में चढ़ा दिया है और एक साइड में चावल चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर देखिए आलू और अरबी को तेल में अच्छे से मैं इसको भी फ्राई कर रही हूँ, और चावल देखिए मेरा भी उबल रहा है, तो इसको तेल में जो है अच्छे से डीप फ्राई करूँगी, उसके बाद वही मसाला वगैरह देकर इसको ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी। तो ये देखिए मसाला मैं पीस कर डाला है, हमारे यहाँ अधिकतर वही मसाला मैंने बोला ही है कि मसाला पीस कर ही हम लोग दिन के टाइम में बनाते हैं, रात के टाइम में हाँ पाउडर वगैरह से बना लिया तो बना लिया, नहीं तो अधिकतर हमारे यहाँ मसाला पीस कर ही, जो जिसमें ज़्यादा ग्रेवी वाला हो, जो तीखा मतलब चटपटा सब्ज़ी बनाना हो तो पीस कर ही हम बनाते हैं। तो ये देखिए तो सब्ज़ी अभी अच्छे से भून रही है, धीमी आँच पे ढक ढक के पका रही हूँ, चावल भी पक रहे हैं। तो बस ये सिंपल सा आज खाना है, अरबी की सब्ज़ी है और पुदीने की चटनी रखी हुई है, कल बनाया था तो वो है, फिर आम काटूँगी, आम तो अभी कंपलसरी है हमारे यहाँ, हमारे पेड़ में तो इस बार आम हुआ नहीं ज़्यादा, ये वाला पेड़ है हमेशा होता था, इस बार बहुत कम हुआ था,
बहुत कम, तो बस मार्केट से खरीदे हुए आम लाए हैं। हमारे घर में आम खाना सबको पसंद है, पापा को थोड़ा सा कम पसंद है, उनको रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है या चूड़ा के साथ दे दीजिए खाने के तब पसंद है। हाँ, और हम लोगों को, बाकी लोगों को जब आम देना है तब हम लोग खा लेंगे। तो वो है, अभी 11 बज चुके हैं, अबीर का स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, तो पापा गए हैं अबीर को स्कूल से लाने, और माँ को भी आज ऑफिस जाना था तो वो भी गई। पापा पहले माँ को ड्रॉप करेंगे फिर अबीर को लेकर आएंगे। बस मौसम आज मेघ, मतलब बादल कभी छा रहे हैं कभी धूप हो रहा है, हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। सभी जगह पर बारिश सुन रहे हैं कि बारिश हो रही है, पर हमारे यहाँ बारिश पता नहीं एक बूंद तक नहीं हो रही है। पता नहीं हमारे यहाँ कब बारिश स्टार्ट होगी। तो फैन चल रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं क्लियर आप लोगों को, और साथ में पानी का मोटर चल रहा है, टंकी में पानी फिल हो रहा है। सुबह में एक बार हुआ था, फिर से एक बार होता है, तो ठीक है। तो आप लोगों से ये बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से तरीके से भुन चुकी है, मसाले भुन चुके हैं, तो इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ, क्योंकि पिछले बार जो बना था ना तो पापा बोल रहे थे कि थोड़ा सा अच्छे से पका नहीं है, तो ये अभी जो मैंने अच्छे से भुना है पक चुका था, फिर भी मैंने कुकर में डाल दिया कि थोड़ा बहुत जो कसर रह गया है एक सीटी लगाऊंगी, एक से डेढ़ सीटी लगाऊंगी तो अच्छे से वो जो है पक जाएगा। तो बस वही कुकर में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, और जितना मुझे पानी रखना है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है, और चावल भी मेरा लगभग पक ही चुका है, इसका भी मुझे माड़ निकालना है, तो फिलहाल इसका भी ढक्कन लगा देती हूँ और धीमी आँच पर करती हूँ, कि तेज़ आँच पर करूँगी ना तो तुरंत सीटी पड़ जाएंगी और अच्छे से पकेगा नहीं। कुकर में ढक्कन लगा दिया है, अब एक सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, तो ऑलमोस्ट पक ही चुका है, फिर भी एक आध अरबी जो है ना पकते नहीं है, इसलिए और पता नहीं पानी भरा कि नहीं टंकी में, देख लेते हैं यहाँ से ही देखूँगी। हाँ, भर चुका है पानी, चलते हैं, बंद कर देती हूँ मोटर को, पानी भर चुका है, तो आया क्यों नहीं, अभी 11:10 हो चुका, अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं, फिर से धूप हो गई, अभी छाँव थी थोड़ी देर पहले, फिर से धूप हो गई, फैन चल रहा है। ये देखिए सब्जी मेरी बन चुकी है कंप्लीट, कैसा कलर लग रहा है, कलर तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में देखते कैसा होगा। और इधर चावल भी पक चुका है तो ये बाहर आ रहा है, तो चल इसका माड़ निकाल लेती हूँ, और बस खाना कंप्लीट बन जाएगा, ये सब ठंडा हो जाएगा तब फिर गैस वगैरह सब क्लीन करूँगी, तो चलिए इसका माड़ निकाल लेती हूँ। तो खाना कंप्लीट बन चुका है, दो चार बर्तन थे वो भी धो लिया है, और गैस अभी क्लीन नहीं किया है क्योंकि गर्म है, गर्म गैस को साफ नहीं करते हैं, बोलते हैं ऐसा कि सब बोलते हैं कि तुरंत खाना बना कर तुरंत गैस नहीं साफ करना चाहिए। अबीर भी आ चुका है स्कूल से, और आते ही वो क्या खा रहा है देखिए, टिफ़िन कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आते ही उसे दाल वाले चनाचूर खाना है, जो चने दाल के चनाचूर होते हैं ना वो वाला दे दिया, वो खाना है। मैं जा रही हूँ ऊपर कि बालों में कंघी भी करूँगी, बाल बिल्कुल सूख चुके हैं, और सोच रही हूँ कल वाला वीडियो रखा हुआ है तो अभी एडिट कर लेती हूँ, टाइम है अभी पूरे 12 बज चुके हैं, और खाना खाने में भी लेट है, 1:30-2 बजे खाना खाएंगे, तब तक मैं आराम से वीडियो एडिट कर लूँगी और देखूँगी, पब्लिक भी कर दूँगी। आज दोपहर में बहुत दिनों से ब्लॉग मेरा गया ही नहीं है, मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, तो सोच रही हूँ अभी रखा हुआ है, अभी फ्री हूँ तो सोच रही हूँ चल जल्दी से कर लेती हूँ, अभी कोई काम नहीं है, तो ठीक है मैं बालों में कंघी करके वीडियो एडिट करके मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब जो हो चुकी है शाम, दोपहर में आप लोगों से बात किया था, फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिट किया, फिर उसको अपलोड भी लगाया, फिर खाना पीना का टाइम हो गया था, सबको ही ने खाना खाया, उसके बाद थोड़ा सा सबने रेस्ट किया, और उसके बाद डायरेक्ट मैं शाम में मिल रही हूँ, फिर से शाम को उठी चाय वगैरह पिया और वही फिर खाने रात के खाने की तैयारी में लग गई थी। तो सबसे पहले आटा गूँथा, आटा को गूँथ कर साइड में रख दिया है, और फिर सब्ज़ी भी काट लिया था, तो सब्ज़ी में वही सिंपल सा परवल और आलू की भुजिया में मैंने बना रही हूँ, और उसके बाद फिर कोई वीडियो ही मैंने नहीं बनाया था, तो ब्लॉग जो है यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।